ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे धर्म में एक रूह शरीर में कब तक रहती है? जन्नत में जाने से पहले तक ना? तुम्हारी माशुका की रूह अभी तक उसके शरीर से निकली नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो? मेरे एक खबरी ने मुझे बताया जो हौर्दे में है। ऐजान खातून जिंदा है और बच्चे की उम्मीद कर रही है। तेरा लाख लाख शुक्र है खुदा। उसकी कोख में हौर्दे का वारिस पल रहा है। बिरके खान का बेटा। वो मेरा बेटा है। मैं वहां जा रहा हूं। रुको जरा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि खान ने उसे बख्श दिया? जब तक वो पेट से है बस तब तक ही उसकी सांसें चल रही हैं। और हमारे पास वक्त है उसकी जान बचाने के लिए। दानील हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, उसका ध्यान रखो। बहुत बढ़िया, मैं युवा राजकुमार के आदेश का पालन करूंगी। किसी पर भरोसा मत करो। जानती हूं, चिंता मत कीजिए। दानील को यहां लेके आओ। आपके साथ हौर्दे जाना चाहता हूं। आओ बैठो। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो यहां कमान तुम संभालोगे। अगर मेरी मौत की खबर आती है तो फौरन दरवाजे बंद करवाने का हुक्म दे देना। सेनाओं को इकट्ठा करके खुद को शहजादा घोषित करना। जब तक हौर्दे के लिए कोई है फैसला नहीं लिया जाता। एरेमी तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारी अम्मी जान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। लेकिन अगर व्लादिमीर अपनी टुकड़ी के साथ वापस लौटता है या फिर बरीस की बेइज्जती करता है तो लड़ने के लिए तैयार रहना। और याद रहे, बड़ा भाई और चाचा इस दुनिया के सबसे गंदे दुश्मन होते हैं। कपड़े लेकर आया हूं। हाँ।
सो लो टाटा लड़की। तुम्हारा इकबाल बुलंद हो मेरी प्रिय उस्तीनिया। हर एक दिन हर एक घड़ी जब से मेरे भाई ने तुम्हें तातर को दिया है, मैं हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। हर दिन हर घंटे तुम्हारे बारे में ही सोचा करता हूं कि तुम्हें वहां कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं भी तुम्हारे लिए यहां तकलीफ में हूं। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम अपनी किसी वजह से या अपनी कौम की ताकत से तुम खोई नहीं होगी और ना ही बर्बाद। तुम शायद बेरके पर अपनी अदाएं दिखाती हो या उनके कुछ आदमियों पर, यह तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। क्या ऐसा होना चाहिए? मैं तुम्हारे आगे हाथ फैलाता हूं, मेरे लिए भी कुछ शब्द रखना जब नए शहंशाह के चयन की बारी आएगी। मुझे पता है कि तुम बेगम बनने की कितनी चाहत रखती थी, तो कम से कम एक पुरस्कार तो तुम जीत ही सकती हो। तुम्हारी सभी तकलीफों का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा, बहुत अच्छे से रखूंगा। तुम्हारे घर वापसी पर मेरे लिए उस पर हस्ताक्षर कर दो या मुहर लगा दो। पसंद आया? ये तो थोड़ा, वो तुम्हारी है। यदि किसी को खत के बारे में पता चला तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और अगर दूत ही किसी को बताते तो? या ये दूत पढ़ नहीं सकता है, और ये तो उससे कहीं बाहर है। जाओ मजे करो। अच्छा सुनो, तुम क्या लंबा रास्ता पकड़ने वाले हो? हाँ राजकुमार, मुझे अपने समुदाय को अलविदा कहने के लिए वक्त दिया गया है। मुझे अभी राजकुमारी के दूत तक पहुंचना है। ये खत राजकुमारी उस तीनिया को दे देना और इसे सही हाथों में देने की कोशिश करना। उसके पढ़ने के बाद इसे जला देना और उनसे एक शब्द में जवाब मांगना, हाँ या ना। यदि वो हाँ कहती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ना कहती है तब दूसरा खत अपने पास से निकालना और इस खत को महान खान के हाथ में सौंपना। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? हाँ समझ गया। अब बहुत तेजी से जाओ। सादत, तुम्हारी नई मालकिन कहाँ है? बर्ग खान के हरम में। मुझे उनसे मिलना है।
मेरी महारानी। क्या हम यहाँ अकेले हैं? वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं मेंगू तैमूर? किसी और मर्द को आने की अनुमति नहीं देती हूँ महान खान के अलावा। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह जानता हूँ। यदि तुमने महान खान की वफादार रखेल की तरह रहने का फैसला किया है तो मुबारक हो। रुकिए, मैं हमेशा आपकी वफादार दासी बनी रहूंगी। आप मुझे जिसको भी सौंप दें। मेरे पास नहीं आया। लगता है वो रूसी वेश्या से जुड़ने के बाद अपनी माँ को भूल ही गया है। लेकिन उसे तो महान खान को दे दिया गया है। इसका मतलब है मेंगू तैमूर उसे भूल गए होंगे। मुझे इस बात पे भरोसा है। सुना है मैंने उसने शहादत को साथी बनाया है। जरूर इसके पीछे कोई लालच होगा। इसको शहादत को दे देना। उसे बताओ कि वो कौन है और सुझाव देना कि बर्क के हरम में मुझे एक नजर डालने पे खुशी मिलेगी, खास तौर पर जो बात रूसी लड़की से संबंधित हो। कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूं। रूस के एलआर की रियासत को किसे दिया जाए और किसको? मेरे ख्याल से राजकुमार दानिल, यारोस्लाव का छोटा बेटा। पर खुद यारोस्लाव को क्यों नहीं? वो बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं और उनका भाई बोरिस कायर और नशेड़ी के रूप में जाना जाता है। उनका बड़ा बेटा व्लादिमीर, उसकी छवि एक क्रूर और निरंकुश शासक की है। तो सिर्फ बचता है छोटा वाला दानिल। जाओ मेंगू, इस बारे में मैं सोचूंगा। सफर धीरे धीरे तय कर रहे हैं। हमारी फौज गोला बारूद और हथियार के साथ तैयार है। शहंशाह यारोस्लाव हमेशा कहते हैं एक सैनिक को शेर की तरह मजबूत और पक्षी की तरह फुर्तीला होना चाहिए। ये भी कहा कि हमारे सैनिक कभी भी बर्तन और कपड़े नहीं धोएंगे। किसी भी सैनिक को वजीर आजम के सामने बोलने की इजाजत नहीं है। रूसियों को युद्ध कैसे करना है यह हम सिखाएंगे।
मेरे सामने हर सैनिक अपनी बात कह सकता है। यारोस्लाव अब तक के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक है। चलो घोड़ों से सामान उतारते हैं। तुलाई, हमने एक जासूस को पकड़ा है। मैंने तुमसे कहा था हम लोग मिलेंगे वाखिद, ये अकेला था क्या? वहां तीन थे, उसमें से दो मारे गए और एक को हमने पकड़ लिया। तुम लोग जा सकते हो। चलो बताओ कप्तान, क्या तुम गद्दारों का खेमा पसंद करते हो? मैं पहले एक कर्नल था लेकिन अब नहीं। उलागो तुम्हें बड़ी कीमत देता है और यदि तुम वजीर हो तो कम से कम 10,000 लोगों के साथ आए होगे, है ना? अब तुम बूढ़े हो चुके हो तुलाई, तुम्हारी आंखें पहरेदारी करते करते थक चुकी है। अब तुम्हारी सेना को कौन संभालेगा? हुलागू के रहम में तुम भेड़ियों को कौन संभाल रहा है? नोगाई। नोगाई? वो अनपढ़ बदमाश, बेवकूफ, एक दूल्हे का लड़का। क्या हुआ उस मेंगू तिमूर का? बेरके ने उसे वजीर बनाया, एक चालाक और धूर्त लोमड़ी के लिए। मूर्ख हुलागू मेंगू तिमूर से सौदा कर सकते थे। यहां कोई भी गद्दारों के साथ सौदेबाजी नहीं करता। महान खोरेज के सेना में कर्नल बनने पर भी नहीं? हाँ? तुम मेंगू तिमूर की पेशकश कर रहे हो मंगोल साम्राज्य के संभावित उत्तराधिकारी को, ताकि तुम हुलागू की सेना में वजीर बन सको? मेंगू को नहीं, तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए तुलाई आगा। मुझे बताओ नोगाई की सेना में कितने सैनिक हैं? हुलागू इसके लिए तुम्हें तोहफा देगा। तुम्हारा ठिकाना कहां है? आसपास हमारे जासूस हैं, बड़ी पहाड़ी के पीछे वे इंतजार कर रहे हैं हम दोनों का। उन्हें तुम्हारी गिनती नहीं करनी। कौन हो तुम? मैं तुलाई हूँ, बेरके खान का वजीर। वाकिद ने कहा कि तुम्हें मंगोल सेना के बारे में सूचना चाहिए और मुझे साथ में पैसे चाहिए और रियासत भी। वाकिद कहाँ है? मुझे दुख है, उसे बचा नहीं सका।
देखो इसे, इसमें हमारे जगहों को चिन्हित किया गया है। यह शिविर और सेनाओं की संख्या है। ये तो शुरुआत है, तुम नोगाई को मार दोगे तो तुम्हें और मिलेगा। ये आसान नहीं है, वहां काफी कड़ी सुरक्षा है। उसके बारे में कुछ सोचो। डस लिया है। हकीम को बुलाओ, जल्दी करो, इन्हें उनके पास लेकर चलो। इसे जमीन पर लिटाओ। तुम सही वक्त पर इसे यहां ले आए, ये कुछ देर में ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तुम दोनों ने शिविर से निकलने की हिम्मत कैसे की? निकिता ने हमें धोखा दिया है लोगाई, इसका पीछा करते हुए नीचे गया, ये हुलागो के आदमियों से मिला। अगर सांप ने नहीं काटा होता तो मैं इसका सर लेके वापस आता। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तेज तर्रार नोगाई, एक वफादार होर्दे के बजाय एक विदेशी पर भरोसा करेंगे? रूसी को पकड़ लो, इसके हाथ बांध दो और इसे कर्नल के घोड़े के पीछे पीछे दौड़ाओ। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी बात मानो, मैं बेगुनाह हूँ। तुम मुझे सजा दे सकते हो लेकिन उस पर भरोसा मत करना। हुलागू के आदमियों को सब पता है, उस पर भरोसा मत करना। हमें तुम पे भरोसा है।
जैसा तुम जो तुम लोग मुझे कभी नहीं दे पाए। बेर के खान तुम्हें कभी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। कैसे हो नुगाई? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम्हारी आंखों में बड़ी नफरत है। क्या बेरके ने तुम सबको मुझसे नफरत करने के लिए कहा है? तुमने गलत किया है होलागो, अपने ही लोगों के खिलाफ जाके। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि अब मैं पर्सिया का शासक हूं। तुम होर्दे में वापस क्यों आए हो? अगर तुम पर्शिया में अच्छे शासक हो तो क्या यह सच है कि बेरके बेहद बीमार है और वो मेगो खान के खिलाफ है? इसका मतलब यह है कि अगले बादशाह तुम होगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है नुगाई। मैं जानता हूं कि तुम एक ईमानदार इंसान और बहादुर सैनिक हो। तुम होर्दे के सैनिकों के सरदार बनने लायक हो। महान खान फौज की अगुवाई करते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक वफादार हो। उस बूढ़े जानवर से दगाबाजी नहीं करोगे जिसने राजगद्दी के असली हकदार को मारा और सब कुछ हथिया लिया। मैं चाहता हूं कि तुम मस्जिद वापस जाओ और बेरके की फौज को हथिया लो और एक असली सरदार की तरह सबके ऊपर हुकूमत करो। और अगर ऐसे में खान तुम्हारी हुकूमत का हक मारता है तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना होगा। फौज को इकट्ठा करो और खान के खिलाफ अपना मुस्तकबिल खुद बनाओ। और बदले में तुम क्या चाहते हो? मुझे तुमसे सिर्फ दोस्ताना बर्ताव चाहिए और कुछ नहीं। क्या कहना है तुम्हारा? हुँ?
मैं तुम्हें टुकड़ों में तराशने का हुक्म दे सकता था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरी सजा है। तुम अपने बाकी आदमियों के साथ वापस लौट जाओगे और बेरके से कहोगे उसकी कौन सी जमीन अब उसके इख्तियार में नहीं है। महान खान इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा। तुम्हारा मुकद्दर तुम पर शर्मसार नहीं होगा नगाई आगा। ये बताओ, मंगोल की वो सारी फौजें उन पर्शियन नीच से जंग कैसे हार सकती थी? वो अनगिनत थे, उन्होंने रात में हमला किया। कप्तान तुलाई ने हमें धोखा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि ये बहाना कबूल होगा? नहीं महान खान, अगर आप मुझे फांसी देना चाहते हैं तो मुझे वो खुशी खुशी कबूल है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। मुझे माफ कर दो हर चीज के लिए। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमें रुकना चाहिए, सैनिक बहुत थक चुके हैं। हम रुक गए तो घोड़ों को दोबारा चलाना मुश्किल हो जाएगा। चलते रहो। हमें जो चाहिए वो हमें मिल गया है। तुम्हें ये जड़ी उसे दे देनी चाहिए, कुछ घंटों बाद उसका गर्भपात हो जाएगा। तुम क्या सोच रही हो सहादत? आपकी योजना पूरी होने के बाद मैं एक दर्जन दासियां खरीदना चाहूंगी और भेड़ के ऊन के गोले और कंबलों का अपना व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। इसके अलावा इस व्यापार के लिए एक या दो मजबूत मर्द गुलाम भी होते तो अच्छा रहता, कुछ जोड़ी घोड़े और एक ऊंट। क्या तुम वाकई मुझसे पैसे मांग रही हो?
मैंने तुम्हें महामारी वाले धर्मशाला से बाहर निकाला ना। मैं पहले ही आपका कर्ज उतार चुकी हूँ। लेकिन तुम ऐजान से बदला लेना चाहती थी ना। वो तुम्हारी प्यारी मल्लिका को कब्र तक पहुँचा देना चाहती है, क्या उसकी कीमत इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं? ऐजान ज़्यादा दिन तक जीने वाली नहीं है। खान को सिर्फ एक बेटे की ज़रूरत है। प्रसव के अगले दिन उसको मेरे बिना मार डाला जाएगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आप मेंगू खान से मांगिए, ये आप उसी के लिए कर रही हैं। होश में आओ, मैं तुम्हें जेल में तिल तिल के